इस बार के सेगमेंट करियर मंत्रा में हम आपको बताएंगे नए तरह के कोर्सेज के बारे में जिसकी शुरुआत हाल ही में एनएसडीसी और यूजीसी ने मिलकर की। इन कोर्सेज को करके आप डिग्री तो पाएंगे ही, साथ ही आपको मौका मिलेगा खुद को स्किल करके होनहार बनाने का। चलिए देखते हैं ये सेगमेंट और जानते हैं बैचलर्स ऑफ वोकेशन के इस कोर्सेज के बारे में। हाल ही के कुछ वर्षों में जहां हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है, वहीं एम्प्लॉयड रेट तेजी से घट रहा है। 2001 की तुलना हमारी लिटरेसी रेट 10% की दर से बढ़ी है। 2001 में 64.84% से बढ़कर 2014 में 74% हो गया है। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ में से 45 लाख ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। प्रति वर्ष 10,000 से ज्यादा युवा ग्रेजुएट होते हैं और इनमें से आधे को ही नौकरी मिल पाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी वजह अनस्किल्ड यूथ है। इंडस्ट्री में उतरकर नौकरी पाने के लिए बेहद जरूरी है प्रॉपर स्किल होना, जिसकी कमी आज के वक्त में सबसे ज्यादा देखी गई है। यही मुख्य कारण है तेजी से घट रही एम्प्लॉयबल रेट का। इसी परेशानी का हल निकालने के लिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एनएसडीसी के साथ मिलकर कुछ ऐसे कोर्सेज की शुरुआत की है जो अब आपको डिग्री के साथ साथ होनहार होने का मौका देता है। इन कोर्स का नाम है बीवोक यानी बैचलर ऑफ वोकेशन। बीवोक का कोर्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इंडस्ट्री के साथ टाई अप करना पड़ता है। वो हमारी बुकड में भी होते हैं। उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम सिलेबस फ्रेम करते हैं। स्टूडेंट्स को 60% प्रैक्टिकल करना होता है और 40% क्लासेस लगानी होती है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स स्किल उसके अंदर डेवलप करनी है, कि यहाँ से बाहर जाने के बाद वो अपना बिजनेस करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जाए। जितने भी कोर्सेज वोकेशनल जॉब रिलेटेड कोर्सेज किसी वक्त भी किसी स्कीम के अंडर भी यूजीसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए हैं, हम उससे एक कदम आगे ही बढ़ के चलते रहें। और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इस रीजन में हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे इस वक्त हमने बीवॉक में दो कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, एक रिटेल और एक दूसरा फूड प्रोसेसिंग। जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं, एक साल जब पढ़ेंगे तो उनको डिप्लोमा मिलता है, डिप्लोमे के दौरान भी वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और किसी बच्चे को अगर लगे कि मुझे अभी काम करना है, एक्सपीरियंस लेना है और मुझे बीच में ये पढ़ाई छोड़ के चलना है, तो उसे कोई मुश्किल नहीं है, वो दूसरे साल आके फिर पढ़ाई शुरू कर सकता है, उसका एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके बाद उसका मन करे कि मैं 6 महीने एक साल नौकरी करने के बाद फिर वापस आके पढ़ाई पूरी करूंगा, तो तीसरे साल आके अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। बीवॉक कोर्सेज की खासियत ये है कि आपको डिग्री के साथ स्किल होने का मौका देता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बीवॉक डिग्री। अन्य ग्रेजुएशन की डिग्री की तरह ये कोर्स आपको प्रतिबंधित नहीं करता है। आप चाहें तो किसी भी साल में ये कोर्स छोड़ कर जा सकते हैं और जॉब करने के बाद कभी भी वापस आ सकते हैं। इस कोर्स को करने के कई फायदे हैं। स्टूडेंट ने एक साल फूड प्रोसेसिंग का कोर्स कर लिया या रिटेल में कोर्स कर लिया, उसको इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी करनी होती है, वो चाहता है कि मैं अपना काम करूँ तो चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम डिप्लोमा दे देंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी देगी डिप्लोमा हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर, राइट। अब उसको कोई उसके पास डिप्लोमा आ गया, एक साल वेस्ट तो नहीं ना उसका गया, 3-4 साल बाद के बाद उसका करता है कि नहीं इसको मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ना चाहूँ, ही कैन कम बैक, वो दोबारा हमारे पास आ जाएगा और सेकंड ईयर में उसको एडमिट करेंगे। और वो अगर एक साल पढ़ना चाहता है तो एडवांस डिप्लोमा लेकर चले जाएगा, थर्ड ईयर पूरा कर ले तो उसको डिग्री मिल जाएगी। अभी भी बीए बीएससी बीकॉम में ट्रेडिशनल कोर्सेज में तो ग्रेजुएशन करने के बाद उनको सोचना पड़ता है कि हम कौन सी ट्रेनिंग कहाँ लें, ये साथ साथ ही उनकी ट्रेनिंग हो जानी है, वो इमीडिएटली एम्प्लॉयबल होते हैं और जहाँ फैक्ट्रीज में ट्रेनिंग 3 साल जाते हैं वही इंडस्ट्री उनको अब्सॉर्ब कर लेती है। एड ऑन कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज हमारे आज के एरा में जितना कंपटीशन है, सिंपल आप ग्रेजुएट डिग्री करके कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट स्पेशली एड ऑन और वोकेशनल कोर्सेज आपको हेल्प करते हैं स्पेशलाइजेशन लाने में एक फील्ड में, इनकरेज करते हैं आपका बूस्ट, क्योंकि ईजिली आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। यूं तो बीवॉक के कोर्सेज कई क्षेत्र में स्टूडेंट्स को प्रदान किए जाते हैं, पर उसमें कुछ खास है रिटेल मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर आदि। बीवॉक की तरह ही एक और भिन्न प्रकार का कोर्स यूजीसी द्वारा चलाया जा रहा है जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। एमएससी फार्मा और बायो इन्फॉर्मेटिक में रिसर्च आपको एक सफल करियर दे सकता है।
इसमें एलिजिबिलिटी 50% है, ये साइंस की एक स्ट्रीम के तौर पे मानी जाती है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च में बहुत यूज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ है, उस तरफ स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे थे, ये टेक्नोलॉजी और बायोसाइंसेज की का इंटेग्रेशन है, उसके बेस पर जो है कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने डेवलप किए हैं। और इसको सनराइज इंडस्ट्री माना जाता है कि जो आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी, जैसे हम बीटी कॉटन की बात करते हैं, वो सारा बायोटेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है, और बीटी ब्रिंजल ये सारी जो बात हो रही है ये इन कोर्सेज से रिलेटेड है, और इनका यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी का जैसे कैंसर वगैरह की डिजीज़ है उसमें भी लोग रिसर्च करते हैं, अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी के बायोमेडिकल साइंसेज में इंटरवेंशन के कोर्सेज के तौर पे चलाए जाते हैं। जब हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं उसमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, उसमें इन्फॉर्मेटिक्स भी है। इन्फॉर्मेटिक्स में जितनी हम जब हम लैंग्वेजेस करते हैं जैसे सी हो गई, जावा हो गई, पर्ल हो गई, तो हम उनको कैसे यूज़ करते हैं एज अ सी बायोलॉजी, जो सी डेट जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर जो बने होते हैं जो बैकएंड पे उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है, नहीं तो वो सी लैंग्वेज पे, पर्ल पे, ठीक है, जो डेटाबेसिस जितने भी है हमारा सीक्वल स्ट्रक्चर उस पे बने होते हैं, तो ये वाली चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। इवन हम क्या करते हैं उसमें डेटा एनालिसिस के लिए बायोस्टैट भी करवाते हैं बच्चों को, इवन जो मैथमेटिकल टूल बनते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है, तो वो मैथ भी पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़ हमेशा से ही किसी भी कॉलेज के टाइम टेबल का अहम हिस्सा रहा है। जानकारों की माने तो ये आपको मदद करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जो अपने आप में बेहद आवश्यक है नौकरी पाने के लिए। अगर आप पढ़ाई में अव्वल आते हैं पर अन्य गतिविधियों में एक्टिव नहीं हैं, तो आपको इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में रिक्रूटर्स नौकरी देते वक्त ये भी देखते हैं। ये सारा स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट्स ने ही स्पॉन्सर्स लाने हैं, स्टूडेंट्स ने मैनेज करना है, टीचर सिर्फ मॉनिटर करते हैं, इससे उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को डेवलप करना है, इसके लिए ये करवाया जाता है। विद्यार्थियों में कोशिश करते हैं कि उनको एक सभ्य नागरिक बनाए, उनके अंदर टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटी पैदा करने के लिए उनको कई अवसर दिए जाते हैं कि वो इंटर और इंट्रा कॉलेज एक्टिविटीज़ में भाग ले। एक अच्छी नौकरी पाने के लिए डिग्री तो महत्वपूर्ण है ही, पर साथ में ये भी आवश्यक है कि आप स्किल्ड हों और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सक्रिय हों। ये दोनों गुण आपको मदद करेंगे एक सफल एम्प्लॉयड होने में।